वेलकम टू उदयपुर। सोचा था कभी राजस्थान में ऐसी जगह भी है। बहुत लोगों को नहीं पता कि राजस्थान में बहुत अच्छी ग्रीनरी, बहुत अच्छे पहाड़, अरावली रेंज है, यहाँ पर पूरी आपको मिल जाती है। इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस। और हमारे साथ इस ब्यूटीफुल प्लेस में है एक ब्यूटीफुल कार। अब ब्यूटीफुल क्यों मैं इसे बोल रहा हूँ, बिकॉज दिखने में जेन्युइनली बहुत अच्छी है। सो ब्यूटीफुल नहीं, एग्रेसिव बोल सकते हैं, बोल्ड बोल सकते हैं, और एक गुड लुकिंग डिज़ाइन बोल सकते हैं। दिस इज़ द ग्रैंड विटारा। बहुत दिनों से इसके बारे में भरपूर चर्चा हो रही है, और क्यों ना हो, एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो सामने आता है। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे हो इसका 1.5 लीटर का मैनुअल इंजन जो कि एक नेचुरल एस्पिरेटेड स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ जो कि बेस मॉडल से शुरू होकर टॉप मॉडल तक अवेलेबल है। उसी में अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते तो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर भी अवेलेबल है, और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन भी अवेलेबल है। टुडे वी हैव द ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो कि एक 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड मारुति वाले माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ ऑफर किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या होता है, क्या ये पावरफुल इनफ है, क्या ये आपकी सिटी लाइफ की बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर पाएगा, और इतना ही नहीं, क्या ये उदयपुर के पहाड़ों में सक्सेसफुल है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। टॉक कन्वर्टर अगर ऑटोमेटिक ग्रैंड विटारा लेना चाहते हो तो ये बिल्कुल सही वीडियो है, बिल्कुल सही जगह पर आप आए हो। मैनुअल का देखना है वो अलग वीडियो है, और ऑल व्हील ड्राइव का देखना है वो अलग है। और इतना ही नहीं, ECVT यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरिएंट देखना चाहते हैं जिसमें माइलेज बहुत अच्छी मिल जाती है, उसकी वीडियो अलग से, तो उसे भी चेकआउट कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ, लेट्स गो। अब किसी भी गाड़ी की परफॉर्मेंस चेकआउट करनी है ना, तो आई थिंक सबसे बढ़िया तरीका होता है पहाड़ों पे उस गाड़ी को चलाओ, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और इनफैक्ट सिर्फ परफॉर्मेंस में पावर ही नहीं, ट्रांसमिशन भी चेक हो जाती है कि किस तरह की पावर आपको वो या किस तरह का रिस्पॉन्स वो प्रोवाइड कर पाती है। तो आई थिंक उदयपुर जहाँ पर मारुति वालों ने हमारे लिए एक इवेंट रखा और सबको बुलाया, वो बिल्कुल सही लोकेशन है, बिकॉज आप एक गाड़ी को अच्छे से टेस्ट कर पाते हैं। अब इतनी बड़ी गाड़ी है, उस पर 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन क्या पावरफुल इनफ है, और वो भी एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ, लेट्स फाइंड आउट। अब 1.3 BHP की पावर, 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क, आपको डेली लाइफ आप सोचते हो कि यार मुझे कम ही मिलेगा, कम रहेगा, उसका इतना बेनिफिट आपको नहीं, बट ऐसा एक्चुअली है नहीं। सी अगर हम फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो दिस इज़ अ कार विच प्रोवाइड्स एडुकेट, यानी कि एक जितनी का आपको चाहिए डिसेंट पावर आपको मिल जाती है। आई वोंट से दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन, आई वोंट से दिस इज़ द वर्स्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा इंजन है, ना ही मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी अच्छा इंजन नहीं है। तो आपको एक पावर अच्छी मिल जाती है, और अगर आप इस गाड़ी को पहाड़ों में चला पा रहे हैं, अभी जैसे 2 लोग बैठे हैं इस गाड़ी में, पूरा पैक्ड लगेज है और कैमरे का सारा सामान है, और हम इसको हिल्स पे यूज़ कर रहे हैं, किसी तरह का कोई पावर डिले मुझे नहीं लग रहा। हाँ, सिर्फ ये ज़रूर है कि थोड़ी सी नॉइज़ आती है, बिकॉज जो गियर चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक में वो 3000 RPM के पास हो रहा है, उसके अलावा भी नॉइज़ भी बहुत थोड़ी है। अगर हम किसी और गाड़ी के साथ कंपेयर करें जहाँ पर प्रॉबेबली टर्बोचार्जर होता, यानी डीजल या पेट्रोल में भी, तो वो शायद थोड़ा जल्दी गियर बदल लेती, उसको 3000 RPM तक ना जाना पड़ता। बस यही एक छोटा सा फ़र्क है पावर और परफॉर्मेंस में इन हिल्स, ड्यूरिंग प्रॉपर आप जब हिल ड्राइव करते हो तब। अगर आप सिटी में ड्राइव करते हो तो ये अराउंड 2000 RPM से पहले ही थोड़ा सा गियर जो है उसको चेंज कर लेती है, इन जस्ट इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर माइलेज। सो अब 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यहाँ पर ऑफर किया जाता है। पहले हम जो इस इंजन के साथ कॉम्बिनेशन देखते थे वो 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर का था, जो कि काफ़ी कम लगता था, बट उसमें बेनिफिट ये था कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, गैप ज़्यादा नहीं था मैनुअल और ऑटोमेटिक में। इस केस में अब ऐसा हो गया, अब बिकॉज जो ब्रेजा है, ब्रेजा में क्या हुआ कि 1.5 लाख का फ़र्क आया था, तो वही आप इसमें भी एक्सपेक्ट करके चलें जब इसकी प्राइसिंग सामने आएगी। अगर हम इसकी प्राइसिंग को लेकर चलें तो आई पर्सनली बिलीव कि वही 1.5 लाख का फ़र्क तो मिनिमम आएगा, और एक्चुअल प्राइसिंग मे बी 16 लाख के आसपास इसका एक शोरूम होगा मैक्स, 15 से 16 के बीच में इसकी प्राइस रहेगी, तो आई थिंक एक अच्छी ऑप्शन होगी। अब परफॉर्मेंस वाइज आई नो कि वो बहुत ज़्यादा आपको पावर यहाँ पर नहीं मिलती है, बट ये भी मैं मानता हूँ कि जितनी चाहिए होती है उतनी तो आराम से आपको मिल जाती है। अब जैसे कि मैंने बताया पहाड़ों में चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है बिल्कुल भी, कहीं पर भी मुझे पावर लैग तो ऐसा महसूस नहीं रहा। अगर मैं इसे भगाना चाहूँगा पहाड़ों में, जो कि किसी भी गाड़ी को वैसे भगाना नहीं चाहिए, पहाड़ों में यू शुड ऑलवेज बी स्लो,
तो तब मेरे को लगेगा कि हाँ थोड़ी और पावर होती, तो उसकी तो कभी कभी महसूस होगी भी नहीं। अब मैं मतलब ये तो वही बात होगी ना कि आप कंपेयर ज़्यादा बड़ी गाड़ी के साथ कर लो। अब इसकी प्राइसिंग ही मैटर करती है। अगर तो देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको इसी प्राइस में एक डीजल ऑटोमेटिक मिलेगी किसी और ब्रांड के साथ, तो हम सोच सकते हैं कि अगर आपकी माइलेज एक कंसर्न है, आपको चाहिए कि पावर भी मुझे बहुत अच्छी मिल जाए, तो डेफिनेटली क्यों नहीं हम वो डीजल वाली प्रेफर करेंगे या पेट्रोल टर्बो चार्ज वाली। बट उसका प्राइस भी सेम होना चाहिए, उसमें फीचर्स भी सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा यू नो ये सारी चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। नाउ द ट्रांसमिशन, अब 6-speed टॉर्क कन्वर्टर है, इसके डिलेज के बारे में बात करें। देखो जैसे कि मैंने बताया, पहाड़ों में डेफिनेटली 2500 RPM के आसपास चेंज करेगा, और अगर मेरे को एकदम से पावर चाहिए तब डेफिनेटली इसे थोड़ा सा टाइम लगता है जज करने में कि हाँ भाई ड्राइवर को पावर की रिक्वायरमेंट है। अभी हम चढ़ रहे हैं, मैंने पावर दी, बहुत आधे सेकेंड का एक वो गैप आया, लेकिन पावर की कमी नहीं लग रही, अभी भी मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको चला पा रहा हूँ। बट ऑफकोर्स पहाड़ों में ऐसे चलाना नहीं चाहिए। अब बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई आई है, तो गियर ऑटोमेटिकली उसने डाउन रखा है ताकि मेरे को दिक्कत किसी तरह की ना आए। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन, हैट्स ऑफ टू मारुति उदयपुर चूज़ करने के लिए। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि मतलब उदयपुर की इस साइड पे तो मैं कभी नहीं आया, उदयपुर बहुत बार आया हूँ। अब हिल्स पे जैसे बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो डेफिनेटली आप वही 3000 RPM तक भी ये इसको चेंज नहीं करेगा, बिकॉज पावर की रिक्वायरमेंट है, टॉर्क इसमें चाहिए, तो वो इंजन उस चीज़ को समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं पा रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पावर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, 120-130 BHP या टॉर्क भी 200 Nm तक नहीं जा रहा, वी नो, बट उसकी असेसमेंट, उस पावर को डिलीवर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बना लिया आपने 140 BHP वाला इंजन, 250 Nm वाला टॉर्क, लेकिन क्या वो डिलीवर कर पाता है परफॉर्मेंस वो बोली कि नहीं, उसमें बहुत मैटर करता है। गाड़ी को जज करना, ट्रांसमिशन जज करना कि हाँ कितनी पावर चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आई थिंक ग्रैंड विटारा पूरा बखूबी उसको निभा रही है। अब हम इतनी हाइट पे आ गए, मेरे तो कान बंद होने लग गए हैं ऑक्सीजन की वजह से। अब ग्रैंड विटारा के साथ ना मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, द पैडल शिफ्टर्स। कभी आपको लगे कि डिले आ रहा है, कभी आपको लगे कि गियर जो शिफ्ट डाउन है वो सही टाइम पर नहीं हो रहा, तो हमेशा आपके हाथों में पावर है, यानी कि पैडल शिफ्टर्स के जरिए आप पैडल डाउन करके या शिफ्ट डाउन करके आप वो यू नो गियर डाउन करके बेसिकली वो पावर अचीव कर सकते हो जो आपको चाहिए, जो पिकअप अचीव कर सकते हो, जो भी आपकी डिमांड है उस अकॉर्डिंगली गाड़ी आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करेगी। एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि आपको ऑप्शन है पैडल शिफ्टर्स की, तो आप अपने अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनूवर कर पाते हैं। अब पहाड़ों में ना एक और चीज़ बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट हो जाती है, इसका स्टेयरिंग और इसकी हैंडलिंग। सो स्टेयरिंग वाइज आई पर्सनली बिलीव दैट मारुति ने थोड़ा सा वे अप किया है स्टेयरिंग को, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, बिकॉज आपको थोड़ी स्पोर्टी फील आती है, एक एंथुजियास्ट वाली फील आती है, एंड आपको एक कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करती है इसमें। जो ब्रेजा थी उसमें, ब्रेजा है मतलब, उसमें स्टेयरिंग आपको कंपेरेटिवली लाइट वेट मिलता है, तो इसको वे अप करके मेरे को लगता है मारुति ने बहुत अच्छा काम किया है, और आपको एक यू नो एक बेटर ड्राइवेबिलिटी मिलती है, और आप उसको चलाने में आपको फन टू ड्राइव एलिमेंट ज़रूर लगेगा स्टेयरिंग के साथ। और फीडबैक रिस्पॉन्स रियली गुड, रियली गुड स्टेयरिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस तरह की साइज़ के साथ इतना हैवी स्टेयरिंग तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, लेकिन इतना हैवी भी नहीं है कि आपको सिटी में दिक्कत आए तो इस चीज़ का ध्यान भी ज़रूर रख लें। मूविंग ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सस्पेंशन। सस्पेंशन इज़ ऑल्सो अ लिटिल ट्यून्ड, थोड़ी सी आपको स्टिफर साइड पर यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट अगेन अच्छी चीज़ है। अच्छी कैसे, बुरी भी बताता हूँ। अच्छी चीज़ ऐसी कि आपको हाईवे पे स्टेबिलिटी अच्छी मिल जाती है, जब आप थोड़ी ज़्यादा हाई स्पीड्स पे जाना चाहते हो तब आपको एक बढ़िया तरीके की यू नो कॉर्नरिंग करनी है, स्टेबिलिटी प्रॉपर चाहिए, वो सब मिलेगी, तो ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है अच्छी सस्पेंशन, स्टिफर सस्पेंशन के साथ। अब सस्पेंशन स्टिफर साइड पे है, स्टेबिलिटी तो आपको और कॉन्फिडेंस आपको ऐड हो जाता है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है आपको। वो हाईवे पे अगर आप ज़्यादा ट्रिपल डिजिट स्पीड्स करना चाहते हो तो दिक्कत किस तरह की आपको नहीं आएगी, और आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी, चाहे आप एकदम से यू नो ओवरटेक करने के लिए लेन चेंज करते हो ज़्यादा स्पीड पे, तब भी आपको एक बढ़िया पावर डिलीवरी आपको इस तरफ से मिल जाती है। अब स्टिफर सस्पेंशन होने का नुकसान, झटके, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह में आपको थोड़ा सा जर्कीनेस महसूस होगी, और वो बहुत माइल्ड है, बट यस है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं है। विजिबिलिटी वाइज अगर आप इसका हुड देखना पसंद करोगे तो आप देख पाओगे, अगर आप सीट हाइट जो है उसे एडजस्ट उस अकॉर्डिंगली कर लेते हो, थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। माय हाइट इज़ 5'8" और मुझे अच्छा लगता है अगर मेरे को बोनट विजिबल हो, मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ऐड हो जाता है एक व्हीकल चलाने में। देख सकते हैं कितनी स्टीप प्रॉपर चढ़ाई है, लेकिन ये गाड़ी मैनेज कर पा रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बेखूबी या बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है, बट यस मैनेज कर पा रही है। बट हम आपके पास वही पैडल शिफ्टर्स की ऑप्शन आ जाती है तो मैं कर पाता हूँ। अभी सेकंड गियर पे ऊपर चढ़ रही थी, अब
वापस सेकंड गियर है, मैं थर्ड गियर पे हूँ तो चढ़ पा रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। हाँ ऑफ कोर्स टर्बो चार्ज होता बेटर होता। अब मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर तो आप ग्रैंड विटारा लेने का सोच रहे हो तो आई थिंक मैनुअल वुड बी अ बेटर ऑप्शन, और अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ भी जा सकते हो। माइल्ड हाइब्रिड में 6-speed टॉर्क कन्वर्टर इज ओके, बट वो दोनों वेरिएंट्स हैं वो ज़्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे, बेटर वैल्यू फॉर मनी भी साबित होंगे, ये बात तो पक्की है। तो एक बार उन वेरिएंट्स को चेक कर लें, प्राइस सामने आ चुकी होगी अब तक जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक आइडिया लगा के आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। मुझे लगता है वो दोनों ऑप्शंस यानी कि मैनुअल और ECVT आर बेटर। कंफर्ट वाइज गुड थिंग इज़ कि आपको दोनों तरफ ऑफकोर्स लेदर पैडेड आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है, और नीचे भी आपको डेड पेडल ऑफर किया जाता है, फुल साइज डेड पेडल है, तो लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हो किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑफकोर्स क्रूज कंट्रोल तो आपको मिलता ही है, बट ऑब्वियसली ये सारे वेरियंट्स पे अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज़ का भी माइंड में ज़रूर रखें। सेफ्टी वाइज आपको मिल जाती है 4-star सेफ्टी रेटिंग इस प्लेटफॉर्म को, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म को, तो उससे आपको थोड़ा सा एश्योरेंस रहेगी कि हाँ भाई हम यू नो एक सेफ गाड़ी में बैठे हैं, आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी महसूस होगी। और बाकी सेफ्टी फीचर्स 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे, ABS EBD है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, 360 डिग्री कैमरा है, और बहुत सारे न्यूमरस फीचर्स हैं। छोटे छोटे कितने सारे हो जाते हो तो यहाँ पर आपके लिए लिस्ट आउट भी कर देता हूँ। अब आपका सवाल होगा भाई माइलेज कितनी मिल जाती है ग्रैंड विटारा के ऑटोमेटिक वेरियंट में, तो इसमें मुझे पर्सनली लगता है कि मैनुअल आपको बेटर माइलेज प्रोवाइड कर पाएगी, और अभी हम इस व्हीकल को ज़्यादा देर चलाएंगे, ज़्यादा दिन चलाएंगे तो एक बेटर आइडिया ले पाएंगे ऑफ द माइलेज। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि 11 KMPL की माइलेज आप आराम से इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिटीज़ में, और हाईवेज पे 17 के आसपास, 16-17। हाँ बहुत अच्छी ड्राइविंग होगी तो 1-2 KMPL आप ऐड और इसमें कर सकते हैं, और हाईवे पे क्रूज कंट्रोल यूज़ करना, ठीक है, ज़्यादा अच्छी माइलेज आएगी। आई होप आप सबके जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। कंक्लूजन में 100 बात की एक बात यही है कि मुझे ये लगता है कि या तो मैनुअल वाली तरफ से ले जाओ, ECVT ले सकते हो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, तो ये दोनों ऑप्शन थोड़ी सी इसके कंपैरेटिवली बेटर है। बट हर किसी को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली माइलेज नहीं चाहिए और ऑटोमेटिक भी चाहिए, तब उसके लिए डेफिनेटली ये 6-speed टॉर्क कन्वर्टर जो है वो अच्छा साबित होगा। वो मेजरली तो प्राइस ही बताएगी, बहुत बड़ा फैक्टर है, जब प्राइसिंग सामने आएगी प्रॉबेबली अब तक आ चुकी हो, तो उस अकॉर्डिंगली इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जज किया जाएगा। बट कंसिडरिंग मारुति ब्रांड, ग्रैंड विटारा एंड सारे प्रोडक्ट्स, हमेशा इन्होंने हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ऑफर करने की कोशिश की है और हर बार कामयाब भी हुए हैं। ग्रैंड विटारा से भी हमारे को यही उम्मीद है। व्हाट डू थिंक अबाउट द न्यू ग्रैंड विटारा, इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट और बाकी वेरिएंट्स भी हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? बाकी वेरिएंट्स चेकआउट जरूर कर लें, मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।